चाहे मेरे को एक महीना लगे चाहे एक साल लगे, मैं गोडे टिकवा दूंगा। और वहीं गाइस कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो में रजत दलाल को रोस्ट करने के बाद रजत दलाल काफी ज्यादा गुस्सा हो रखे हैं और उन्होंने ओपनली धमकी भी दे दी है, जहां उन्होंने अपने व्लॉग चैनल में क्या कहा, छोटा सा पार्ट दिखाता हूं आपको। पैसे देने, पैसे नहीं तो और क्या देगा, आठवीं क्लास में करता था मैं ऐसी ये बुलाता है क्या लोकेशन पे, कहां डिज्नीलैंड, गुंडा बनना था छपरी बन गया और छपरी होने के तो फायदे बहुत है। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से जज्जर पुलिस ने मेरे को मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की। हाँ भाई मिस्टर राजू निकल गई हवा बाजी, खुद के कलेश खत्म नहीं हो रहे, दूसरों के कंप्रो करवा रहा है, शरीर बड़ा हो गया दिमाग से बोला रहा है। ये कैरी ने जो वीडियो डाली है ना, मैंने इसको आज तक कुछ बोला ना, मेरा लेना ना देना, आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत अच्छी बात है, जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे हो। और आज तक अगर किसी ने आपको कुछ नहीं बोला कुछ नहीं करा और आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई छू नहीं सकता कुछ कर नहीं सकता तो ये चीज गलत है, क्योंकि भाई देखो मैं इतना लिख के ले लो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा भाई क्या कर लोगे, केस डाल दोगे डाल दो, जेल में करवा दोगे करवा दो, कभी बाहर नहीं आऊंगा क्या? लोगों को लग रहा है स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी या इसका मेरा कोई कोलैब आने वाला है, तो भाई मेरा कोई इस भाई के साथ कोलैब नहीं आने वाला। तो कैरी भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो कि मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपॉलॉजी की वीडियो डाल दो, पूछ के कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी। हर्ष बेनीवाल ने वीडियो डाली थी, उससे पहले पूछा था कि हाँ भाई बना रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मजाक मस्ती करना अलग चीज है भाई, अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है तो मेरे को छपरी बोल रहा है, चाहे मेरे को एक महीना लगे चाहे एक साल लगे मैं गोडे टिकवा दूंगा। और वहीं गाइस इसी के जस्ट बाद ही थाराबाई जोगेंदर ने भी कैरी मिनाटी के सपोर्ट में वीडियो डाली है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। भोग जितना भोग सकता है तेरी ना ये अलग कर देगा इस बार। अबे जब तू मैकडी के अंदर जाके मैकडी वालों को गाली बकता है, ऑटो ड्राइवर को पकड़ के गाली बकता है, तू बच्चे को पीटता है, अब फंसाना तू मैदान के अंदर, अब तेरे को बता देगा कॉन्ट्रोवर्सी किसे बोलते हैं। तू वही है ना जिसने थाराबाई जोगेंदर को गाली बकी थी। अबे उड़ता हुआ तीर लेने का शौक तेर को है, फंस गया लाला कैरी मिनाटे। और वही गाइस पुनीत सुपरस्टार फुकरा इंसान के बारे में क्या बोले थगेश के शो में, जहां लफड़ा सीजन का नया एपिसोड आ चुका है, तो आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में हक क्या आया ऐसे भी, और भाई वो सुनो मेरी बात को, वो फुकरा आके आया था, फुकरे ने आगा था और उसने सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिए, और साला फुकरा जो था मैं बताता हूँ फुकरे ने क्या करा, फुकरा साला पॉलिटिक्स खेल गया, मुझे भड़का भड़का कर साला मौत का खेल करा गया, और फुकरे ने मेरे को बोला भाई ये करते रहो, और साला खुद सिंपत्ति ले गया, उसको कोई जानता नहीं था भाई, मेरी वजह से वो फेमस हो गया, बैठे बैठे साले ने पूरे महीने में कुछ नहीं करा, सिर्फ बैठा रहा डेढ़ महीने सिर्फ पॉलिटिक्स खेलता रहा, लोगों से कोठी बंगले वाली लड़कियों से रिश्तेदारी बनाता रहा, और फिर साले को बाहर आने के बाद साले को कई लड़कियों ने अनफॉलो भी कर दिया जिनसे रिश्तेदारी बना रहा था, क्या हुआ दूसरों के कंधे पर बंदूक रख रख के चलता चला गया और पूरे शो में जो है एंड में निकल गया, बाकी टैलेंट भाई जीरो है फुकरे में भाई, मैं तो खुल के कह रहा हूँ हिंदुस्तान।